बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तासीर एक्रोबियन स्पर्म ग्रो कम्बाइंड थेरापी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज मैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम सेहतमंद जिंदगी के राज में हाजिर हूँ। आज मैं आपको मर्दाना बांध बांध के इलाज के सिलसिले में अपने तासीर दवाखाना और तासीर फार्मा में तैयार करदा मेडिसिन का तारफ बताऊँगा। ये प्रोडक्ट मर्दाना बांध बांध को बगैर किसी साइड इफेक्ट के तेज़ी से ख़त्म करके बे औलाद जोड़ों को अल्लाह के फजल से साहिब औलाद कर रही है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको मर्दाना बांझ बांध के बारे में बताता हूँ। मर्दाना बांझ बांध क्या है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। औलाद की कदर इन बे औलाद जोड़ों से पूछें जो लाखों रुपए खर्च करके भी इस नेमत से महरूम है, मगर अल्लाह की ज़ात बहुत करीम और बेनियाज है। इसने ऐसी जड़ी बूटियाँ और नबातात व मादियात दुनिया में पैदा की हैं जिससे बहुत सी खतरनाक बीमारियों का इलाज मुमकिन है। इनमें से मर्दाना बांझ बांध भी है। नाज़रीन, आमतौर पर बांझ बांध औरतों की बीमारी समझी जाती है, मगर अब वक्त के साथ साथ लोगों में शहूर पैदा हो रहा है। इस सिलसिले में मीडिया का अहम रोल है, जिससे अब हर घर में ये बात समझी जा रही है कि बांझ बांध न सिर्फ औरतों बल्कि मर्दों का भी मर्ज है। हाँ तो नाज़रीन, मैं बात कर रहा था, कुदरत ने हमें बहुत सी नेमतें जिनमें इंसान को भूख और पोशाक वगैरह की जरूरत के मुताबिक नबातात, हैवानात और मादियात पैदा की हैं। वहाँ अल्लाह ताला ने इंसान की तमाम जिस्मानी, ज़हनी और जिंसी बीमारियों का भी सारा सामान इनमें रखा है। दुनिया में जितने भी तरीके इलाज बीमारियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनकी बुनियाद कुदरती नबातात और हैवानात का रही है, और इंसान सदियों से कुदरती जड़ी बूटियों से अशार कर रहा है। कदीम यूनानी भी इन्हीं जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करके अपनी अदवियात बना रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं तासीर दवाखाना के जिस कोर्स के बारे में बताऊंगा, वो भी टोटली कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है। तासीर एक्रोबियन स्पर्म ग्रो कम्बाइंड थेरापी। नाज़रीन, औलाद अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक है। अगर आप इस नेमत से महरूम है तो मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी गुनाह है। इस परेशानी का हल आपके अपने शहर रावलपिंडी में वाकया तासीर दवाखाना के पास मौजूद है। तासीर दवाखाना जो कि हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा है। नाज़रीन, तासीर एक्रोबियन स्पर्म ग्रो कम्बाइंड थेरापी, जिसमें नहायत ही नायाब जड़ी बूटियों, मर्दों के जिस्म हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH की सतह में इजाफा करता है। वे औलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनको नॉर्मल करता है। उसी मन में स्पर्म कौन की तादाद को मुनासिब तादाद में ला कर औलाद पैदा करने में मदद देता है। सीमन में मौजूद पस सेल पैदा नहीं होने देता। तो जी नाज़रीन, अब मैं आपको बांझ बांझ की इकसाम बताता हूँ। बांझ बांझ की दो इकसाम है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी, वो शादीशुदा जोड़े शामिल हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम है, यानी जिनके यहाँ कोई औलाद ना हुई हो या हमल करार ना पाया हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, वो शादीशुदा जोड़े जिनके यहाँ पहले औलाद थी लेकिन फिर वक्त औलाद पैदा ना कर पा रहे हो। इन सूरतों में नाज़रीन, तासीर एक्रोबियन स्पर्म ग्रो कम्बाइंड थेरापी नहायत ही पुरअसर कोर्स है, जिसके इस्तेमाल से आपके मर्दाना बांझ बांध और इससे होने वाली तमाम खराबियों और खुशगवार रज़ाई ज़िंदगी गुजारने में हायल इनको पूरी तरह ख़त्म करता है। जो खुशगवार रज़ाई ज़िंदगी गुजारने में हायल है, इनको पूरी तरह ख़त्म करता है। तासीर दवाखाना के पुश दर पुश सदरी नुस्खाजात जो मुकम्मल तौर पर कुदरती अज़ा पर मुश्तमल हैं। जहाँ तक नाज़रीन हाइड्रोसिल और वेरोक्सिल का तल्लक है, तो ये खुशियों की बीमारियाँ हैं। टेस्टिकल में होने वाली ये खराबियाँ हाइड्रोसिल, खुशियों के ऊपर गोश्त का फूल जाना, फूल कर बढ़ जाना, वेरोक्सिल खुशियों के साथ नालियों का फूल जाना। खुशियों की ये बीमारियाँ फिर स्पर्म के प्रोड्यूस में हाइल होता है। जब एक नॉर्मल शख्स मंजिल होता है तो खारिज होने वाले स्पर्म की तादाद 200 से लेकर 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या इससे कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। अगर किसी के पास 200 मिलियन स्पर्म हो और 75% एक्टिव हो तो ये 150 मिलियन बनते हैं। अगर इसी तरह किसी के पास 200 मिलियन स्पर्म हो, 70% एक्टिव हो तो ये 140 मिलियन बनते हैं। इसी तरह अगर किसी के पास 200 मिलियन स्पर्म हो और 60% एक्टिव हो तो 120 मिलियन एक्टिव स्पर्म बनते हैं। नाज़रीन, एक दिन में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 डेज में मेच्योर होते हैं। स्पर्म की तेज या हरकत की रफ्तार 4 मिलीलीटर फी मिनट होनी चाहिए। अगर इससे कम हो तो मुसाइल का सामना करना पड़ता है। मर्दों में स्पर्म की औसत पुख्तगी 1 से 2 यौम है। अगर इनमें खराबियाँ हों तो बांझ बांझ हो सकता है। तासीर एक्रोबियन स्पर्म ग्रो कम्बाइंड थेरापी स्पर्म मोटैलिटी यानी स्पर्म की हरकत का सकना और स्पर्म मार्फोलोजी यानी स्पर्म की शक्ल और सूरत को तेज और दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल दूर करके आपकी औलाद को सेहत और खुश शक्ल और मुकम्मल खुद खाल के साथ जन्म देने में मावन है। नाज़रीन, तिब की दुनिया में एक तेजी से मकबूल होता हुआ आसान, मौसर और बेहतर तरीके इलाज से तमाम मर्दाना बांझ बांझ की बीमारियाँ हमेशा के लिए खत्म करें।
मधुमेह बाय नाम की पाई जाने वाली तीन इकसाम की बीमारियां हैं। ओलिगोस्पर्मिया, इस बीमारी में स्पर्म की तादाद कम होती है। स्पर्म की मिकदार 200 से 600 मिलियन होती है। अगर जब मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ये बीमारी ओलिगोस्पर्मिया कहलाती है। नेक्रोस्पर्मिया, मर्दाना बाय नाम की ऐसी बीमारी है जिसे स्पर्म तो मौजूद होते हैं मगर मुर्दा हालत में होते हैं, जो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते। एजोस्पर्मिया, इस बीमारी में स्पर्म की गैर मौजूदगी है। मर्दाना बाय नाम की तीनों बीमारियों का मुकम्मल और कामयाब इलाज तासीर एक्रोबियन स्पर्म ग्रोथ कम्बाइंड थेरेपी में पोशीदा है। नाज़रीन, औलाद के असूल के लिए ये कोर्स कामयाबी का जामन है। ये कोर्स नहायत ही कीमती और नायाब नुस्खा जाकर कुदरती जड़ी बूटियों और अनमोल अज़ा के मरकबात से तैयार किए हैं, जिसके कुदरती अज़ा उसे खास ही रग रग में जज्ब होकर खून के दरने को बढ़ाते हैं और फौरी इंतशार पैदा करके जिनसी लज़्ज़त को मजीद बढ़ाने के लिए नहायत मुफीद है। तासीर एक्रोबियन स्पर्म ग्रोथ कम्बाइंड थेरेपी जो किसी भी बेऔलाद जुड़े के लिए किसी नेमत और तोहफे से कम नहीं है। ये कोर्स आपको बनाए माँ बाप और अजवाजी जिंदगी को खुशगवार मुकम्मल भरोसे से एतमाद के साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों और अज़ीज़ों के साथ शेयर कर दें। बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तासीर फार्मा एंड तासीर दोहाना डिवीजन रजिस्टर्ड के शुबा रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट, क्वालिफाइड साइंटिस्ट और तजर्बेकार माहरीन के ज़ेर निगरानी मर्दाना बांझपन और उसकी तमाम इकसाम एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया में हाई रुकावटों का तासीर दोहाना के सदियों पर मोहित ज़ाती तजर्बात पर मुश्तमिल पुश दर पुश सदरी नुस्खाजात से मुकम्मल तौर पर मुश्किल इलाज किया जाता है। तमाम इमराज बशमूल मर्दाना बांझपन के इलाज में बेहतरीन इंतखाब कुदरती तिब्बी तरीके इलाज ही है। सबसे ज्यादा अहमियत भी कुदरती तरीके इलाज को हासिल है। यही वजह है कि ख्वातीन आजाद अपने जिनसी पेचीदा और पोशीदा अमराज के इलाज और जिंदगी की लज़्ज़तों से लुत्फ अंदोज होने के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ही भरोसा करते हैं। हमारे इदारे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों, फार्मासिस्ट और तिब्बी माहिरीन की टीम ने मर्ज के असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए कदीम और जदीद तिब्बी मशाहदात की रोशनी में कुदरती जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद मर्दाना बांझपन का महफूज और मौसर तरीके इलाज और ज़हनी व जिस्मानी ताकत की बहाली के लिए मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दोहराने पर मर्दाना बांझपन का इलाज मुकम्मल तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दोहराने का ये इलाज, जिसकी खास बात यह है, ये सिर्फ कम ही अरसे में मर्दाना बांझपन की खराबियों का मुकम्मल खात्मा कर देता है। हमारे पास मर्दाना बांझपन का शिकार सैकड़ों लोग आते हैं, जिनमें ज्यादा तादाद इन नौजवानों की होती है जो हर तरह के इलाज करवाकर भी और तरह तरह के दवा करवाकर भी मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वो वाहिद इलाज है जिसके किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी इस समाज का शिकार हैं तो देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दोहराना तशरीफ लाएं, जो गुज़श्ता 80 सालों से अवामुल नास की खिदमत कर रहा है। मुकम्मल चेकअप करवाकर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। मजीद मालूमात के लिए मर्दाना बांझपन के इलाज के लिए देखते रहें हमारी वीडियोस। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।